नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। यह लिक्विड डिटर्जेंट का सीरीज पहला पार्ट है। तो इस वीडियो में हम बनाएंगे सबसे पहले लिक्विड डिटर्जेंट शैम्पू। समझ में आ गया? या आप इसे लिक्विड डिटर्जेंट जेल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम एसिड सलरी का यूज नहीं करेंगे। तो इसे देखिए, बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें लेना है एसेलियस लिक्विड। देखिए इस तरीके से एसेलियस लिक्विड आपको ले लेना है। देखिए, अब मान लीजिए इसे आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो अगर आपको 1 kg बनाना है, 1 kg, तो आप उसमें कम से कम 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम तक आप एसेलियस लिक्विड का ऐड कर सकते हैं। जितना आप एसेलियस लिक्विड ज़्यादा ऐड करेंगे, उतना आपको वाटर कम ऐड करना है। बस यही आपको करना है। समझ में आ गया? तो देखिए इस तरीके से अब हमें इसे पानी में मिला लेना है, अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से पानी मिलाना है। देखिए पानी मिल गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके साल्ट। साल्ट आपको ज़्यादा एक साथ नहीं ऐड करना है, बहुत थोड़ा थोड़ा करके साल्ट ऐड करना है आपको। देखिए इस तरीके से। देखिए अब यह धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा। देखिए अब यह लिक्विड के रूप में आ रहा है। देखिए कितना ज्यादा गाढ़ा हो गया। समझ में आ गया? अगर आपको थोड़ा सा और इसे ठीक करना है, गाढ़ा करना है, तो बहुत हल्का सा साल्ट आप और इसमें ऐड कर दीजिए, जिससे यह और ज़्यादा ठीक हो जाएगा। देखिए अब आपको इसके बाद क्या करना है, अगर आपको इसमें कलर ऐड करना है। समझ में आ गया? अगर कोई भी कलर आपको ऐड करना है, तो आप इस तरीके का फूड कलर जो मार्केट में मिलता है, ये आप ले सकते हैं। ये आपको किराने की दुकान पर मिल जाएगा। देखिए इसमें आपको डाल देना है। देखिए इसमें एक चीज है, जैसे अगर हम एसिड सलरी का यूज करके और कास्टिक सोडा का यूज करके अगर हम लिक्विड डिटर्जेंट बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको वाटर में ही कलर को घोल देना है। लेकिन अगर हम एसिड सलरी और कास्टिक सोडा का यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप चाहे तो सबसे पहले ही ऐड कर दे वाटर में ही कलर को, नहीं तो आप लिक्विड पूरा बनाने के बाद में आपको इसमें कलर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अब फटेगा नहीं, क्योंकि हमने इसमें न एसिड सलरी ऐड किया है न कास्टिक सोडा ऐड किया है। अब इसके बाद हम इसमें परफ्यूम ऐड करेंगे। तो परफ्यूम आप अपने हिसाब से बढ़िया क्वालिटी का ऐड करिएगा। देखिए इस तरीके से। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। देखिए अब यह हमारा लिक्विड डिटर्जेंट, आप इसे जेल भी कह सकते हैं और शैम्पू भी कह सकते हैं। इसे जेल, अगर इसे थोड़ा आपको और थिक करना है, तो जैसे आप 1 kg में 600 से 700 ग्राम तक आप एसेलियस लिक्विड ऐड करें, तो वो एकदम जेल के रूप में रहेगा, एकदम बहुत ज़्यादा थिक रहेगा। समझ में आ गया? जैसे आप उसे इस तरीके से उठाएंगे, तो यह लिक्विड की तरह नीचे नहीं गिरेगा, वो टूट टूट कर गिरेगा टुकड़ों में। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लीजिएगा। समझ में आ गया? अब हम इसके बिजनेस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसका बिजनेस आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसमें मैंने कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल नहीं ऐड किया है जो आपको नुकसान पहुंचा सके। जैसे मान लीजिए एसिड सलरी होता है और कास्टिक सोडा होता है, तो इसे हम क्या करते हैं, बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए कास्टिक सोडा जब आप पानी में घोल रहे हैं, इसका लाई बना रहे हैं, तो अगर इसका एक बूंद अगर आपके आँख में चला गया, तो आप आँख को अंधा कर सकता है, आँख खराब कर सकता है, इतना ज़्यादा वो खतरनाक है। दूसरा है कि अगर हाथ में लग गया, तो अब देखिए
अब मेरा तो रोज का काम है, अगर मेरे हाथ में लग भी रहा है तो कोई मुझे ज़्यादा उससे दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब कोई अगर इसे पहली बार यूज कर रहा है, उसके हाथ में लग गया तो वो बहुत ज़्यादा उसे जलन कर सकता है, समझ में आ गया। तो कास्टिक सोडा का कभी भी आप यूज करें, चाहे आप हर दिन इसका यूज कर रहे हैं चाहे पहली बार यूज कर रहे हैं, इस सबसे पहले हाथ में ग्लव्स, हाथ में आप दस्ताना जरूर पहन लीजिए, मुंह पर मास्क भी लगा लीजिए, क्योंकि यह जब पानी में घोलता है तो उसमें से गैस निकलता है जिससे आपको बहुत ज़्यादा समझ लीजिए खांसी आ सकता है, समझ में आ गया। और आपके नाक में बहुत ज़्यादा छींक आ सकता है, मतलब यह गैस भी उसका नुकसान करता है। और आँख में चश्मा जरूर लगा लीजिए, समझ में आ गया। मैं भी इसका यूज करता हूँ तो बहुत ही सावधानी से करता हूँ, आप इसका यूज सावधानी से करें। अब वही बात करते हैं एसी डिसलरी का, तो एसी डिसलरी से अगर आप मान लीजिए इसका जब एसी डिसलरी को जब कास्टिक सोडा से न्यूट्रलाइज करते हैं तब जाकर बहुत ज़्यादा हीट होता है और गैस निकलता है। और वैसे भी आप जब यूज करें तो एसी डिसलरी भी आपके हाथ उसमें टच नहीं होना चाहिए, आपको आँख उख में नहीं जाना चाहिए, तो सावधानी से करना चाहिए, समझ में आ गया। अब यही पर बात करें हम एसएलएस लिक्विड का, तो एसएलएस लिक्विड एकदम पूरी तरह से सुरक्षित है, मतलब अब जानकर आप अपने आँख में मत डालिए, अपने हाथ में न लगाइए, सावधानी से कोई भी केमिकल हम सावधानी से यूज करेंगे, समझ में आ गया। इसमें यही है कि इसमें ज़्यादा रिस्क कुछ नहीं है, आपके हाथ में भी लग गया तो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो अगर आप एकदम नए हैं, समझ में आ गया, जैसे मान लीजिए आपने वीडियो वीडियो देख कर और आप सोच रहे हैं किस तरीके का हम अगर बनाएं, तो सबसे पहले आप यही बनाइए लिक्विड डिटर्जेंट, शैम्पू आप इसे कर सकते हैं, लिक्विड डिटर्जेंट जेल इसे कर सकते हैं, ये आप बनाने का एक समझ लीजिए, जैसे थोड़ा अपना अपना प्रैक्टिस करें, समझ में आ गया, एक आप यह प्रैक्टिकल कर सकते हैं, उसके बाद अपने घर पर यूज कर सकते हैं। इसमें आप झाग देखेंगे फर्स्ट क्लास, इसमें क्लिनिक देखेंगे बहुत ही बढ़िया। उसके बाद आप धीरे धीरे करके फिर अपना लिक्विड डिटर्जेंट बनाना शुरू करें, जैसे एसी डिसलरी का यूज करें, कास्टिक सोडा का यूज करें, तो आप इस सीरीज को जब देखेंगे पूरा जितने भी पार्ट में आएगा तो आपको बहुत ही बढ़िया नॉलेज मिलेगा, जानकारी मिलेगा। मैं एक एक प्रोडक्ट का तरीका बताऊँगा, कैसे आपको यूज करना है, कैसे उससे अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, कैसे इसका बिजनेस करेंगे। अब मान लीजिए इसे, अब सबसे पहला तो यही है कि रॉ मटेरियल मान लीजिए आपके लोकल मार्केट वर्केट में अगर नहीं मिल रहा है, लोकल मार्केट में वैसे भी नहीं मिलेगा, ये शहर वर्क मार्केट में मिलेगा आपको, जो थोड़ा बड़ा शहर होता है, तो वहाँ से आप क्या करिए 5-10 kg एसी डिसलरी लाइए, एसी डिसलरी एसएलएस लाइए, कास्टिक सोडा ले लीजिए 1-2 kg, वाटर तो आपके घर पर ही मिल जाएगा, साल्ट आपके लोकल मार्केट में ही मिल जाएगा किराने की दुकान पर, कलर आपको लोकल मार्केट में किराने की दुकान पर मिल जाएगा, परफ्यूम आप वहीं पर ले आ सकते हैं जहाँ से आप ये सब लाएंगे, एसएलएस लिक्विड। उसके बाद वहाँ पर आपको डिटर्जेंट पाउडर बनाने का कलर भी वहीं मिल जाएगा। तो आने वाले समय में आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने को मिलेगा, समझ में आ गया। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो बनेगा आपके पास तुरंत पहुंच सकेगा। चलिए तो अगले वीडियो फिर मिलेंगे, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।